नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 40वीं नेशनल जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन दिनांक 7 जुलाई से 9 जुलाई तक कर्नाटक सिमोगा के नेहरू इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ी जूनियर वर्ग में भाग ले रहे हैं। जिला ताइक्वांडो संघ के सचिव सह प्रशिक्षक नंदू कुमार ने बताया कि बिहार के कुल 26 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिसमें बेगूसराय के 3 बालक व 4 बालिका खिलाड़ी समेत 7 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगी। जाने का तो सारे बच्चे जा रहे हैं, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और किसी सब पहले से ही नेशनल खेल चुके हैं, 1-2 नहीं 3-4 सारे बच्चे नेशनल खेल चुके हैं। तो इन सबको बताया, इन सबको खुद पता है, बस इलेक्ट्रॉनिक मैच हो गया है। पहले मैनुअल मैच होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक मैच होता है, जो थोड़ा बहुत नया है इन सब के लिए। ऐसे वहाँ पे जाके सब बच्चे देखेंगे, सीखेंगे, अभी सीखने का मौका है, सीखेंगे सब बच्चे। कितने दिन का ये खेल होगा सर? जाने 3 दिन का मैच है, 7-8-9, और जाने का टाइम 2 दिन, ऐसे 48 घंटे लगते हैं जाने में, तो 7-8-9 को मैच। किस तरह का तैयारी आपने किया है 7 बच्चे के लिए जो इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं? वहाँ जाकर कोच हैं, किस तरह का आपका रहा? फर्स्ट टाइम है कोच का एक्सपीरियंस, मेरे लिए फर्स्ट टाइम। जिस तरह से इन सब का इम्तिहान है, वैसे ही मेरे लिए, मैं चाहूँगा अपना बेस्ट देने का। बेगूसराय जिला ताइक्वांडो संघ के 7 खिलाड़ी हैं जो 7 से 9 जुलाई कर्नाटक के शिमोगा में 40वीं राष्ट्रीय नेशनल प्रतियोगिता हो रही है, उसमें ये बच्चे खिलाड़ी भाग लेंगे। आज उनका हम लोग सब शुभकामना समारोह रखे हैं, प्रेरणा देने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि बच्चे वहाँ जाके उच्च स्तरीय प्रदर्शन करें और अपने राज्य और जिले के लिए मेडल दे के आगे अपना पदक सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे हमारे खिलाड़ी। अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक जिला स्तरीय प्रतियोगिता या राज्य स्तरीय, हाल में मुजफ्फरपुर ने राज्य स्तरीय बेहतर प्रदर्शन, बेहतर आयोजन उनका रहा। अभी इस खेल से नहीं, और भी खेल जैसे कबड्डी हो गया, कुश्ती हो गया, इस सब खिलाड़ी को जो आप जान रहे कि दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था, उस पर भी आरोप लगाया गया था नेताओं पर। थोड़ा सा हमारे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर से कमी है, और अभी आए दिनों में बिहार सरकार ने लगातार कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है कि खिलाड़ी उस स्तर पर अब जा रहे हैं और बिहार सरकार भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और बाकी संघ भी मजबूती से अपना कोशिश कर रहे हैं। कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, कुश्ती हो, सभी लोग लगे हुए हैं और उसका रिजल्ट भी है। बेगूसराय खेल की उभरकर नगरी है, देख ही रहे हैं यहाँ के खिलाड़ी किसी भी खेल क्षेत्र में हो वो अपना परचम लहरा रहे हैं। थोड़ा सुविधा की कमी है, मगर उसी सुविधा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सभी संघ कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा हो। हमारा खेल महासंघ भी है, वो भी प्रयासरत है कि बच्चे आगे बढ़े। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।